अब देखिए, अब 1857 का यहाँ से अब इम्पोर्टेंट शुरू होता है सारा फैक्ट, और यहाँ से फैक्ट्स को पूरे याद करेंगे डिटेल में। और यहाँ से फैक्ट्स देखिए, इससे पहले जो भी वीडियो आपने पढ़ा है, वीडियो का मतलब ये जो भी आपका पेज था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन कभी बन जाएंगे और कभी बनता भी नहीं है, लेकिन यहाँ से जो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक सब स्टार्ट होता है। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि कौन ऐसा ज़िला था जो अनअफेक्टेड था, क्योंकि सारा ज़िला तो अफेक्टेड था ही लगभग, लेकिन अनअफेक्टेड कौन था, तो अनअफेक्टेड आपका मतलब जिसमें अछूता रहा मुंगेर। मुंगेर जो ज़िला था ये एकदम अछूता रहा, यहाँ पे कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 का विद्रोह का कोई मतलब ऐसा कुछ काम नहीं हुआ था। और कुंवर सिंह इसका मुख्य किरदार होंगे बिहार का। तो कुंवर सिंह के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कुंवर सिंह का जन्म, ये 80 वर्ष के थे, बुढ़ा शेर थे ये, 80 वर्ष के थे तभी ये नेतृत्व कर रहे थे बिहार से 80 वर्ष की उम्र में, देखिए। और 1780 में इनका जन्म होता है, 80 वर्ष के थे और 1780 में इनका जन्म। अगर पूछता है कि कभी, देखिए बहुत सारा फैक्ट्स पूछ चुका है अभी कि ये मतलब कहाँ के निवासी थे या किसने मतलब रिवोल्ट को बिहार में नेतृत्व किया, ये सब तो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब बीपीएससी का जिस तरह से पैटर्न मतलब बदल रहा है, उसमें क्या होता है कि ये सब इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि इनका जन्म जो था 1780 में था, तो 80 वर्ष की उम्र में थे ये, इन्होंने नेतृत्व किया था और 1780 में इनका जन्म हुआ था जगदीशपुर के भोजपुर में, जगदीशपुर जो भोजपुर जिला में है अभी। आपका इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था, साहबजादा सिंह ये परमार राजपूत उज्जैन से आए हुए थे और यहाँ पे बसे हुए थे, साहबजादा सिंह के पिता आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। आपको अब देखिए, अब इनके बारे में देखते हैं, पहले रिवोल्ट के बारे में शुरुआत देखते हैं कि कहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि रिवोल्ट कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो रोहिणी गांव से शुरुआत हुआ था, ठीक है, रोहिणी गांव से, जो कि देवघर जिला में पड़ता है, यहाँ पे देवघर जिला है, देवघर जिला से शुरुआत होता है, देवघर जिला से शुरुआत होता है, फिर यहाँ से पटना चला जाता है इसका चिंगारी, पटना, ये पटना वाला इलाका, फिर मुजफ्फरपुर में चला जाता है, मुजफ्फरपुर से सारण और भोजपुर में फैल जाता है। तो आपको इसका क्रम याद रखना कि पहले देवघर, फिर देवघर से इधर जाते वक्त पटना पड़ता है, पटना में, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में, फिर सारण और भोजपुर में। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा इससे, अब पूछा भी हुआ है, पहले देवघर से शुरू होता है, देवघर में रोहिणी से, उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद भोजपुर, मतलब ये वीर कुंवर सिंह के गाँव में स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब शुरू करते हैं, 1857 में क्या होता है कि 12 जून 1857 को, 1857 को 12 जून को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट काम कर रही होती है। उस समय उन लोगों में क्या होता है, सैनिकों में विद्रोह फैल जाता है। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर सर्जन जो थे डॉक्टर ग्रांट, ये मारे गए इस विद्रोह में। तो इसमें कौन कौन मारा था, देखिए लेस्ली मतलब लेस कर दिया जा रहा है, मतलब मार दिया, मार के सुला देंगे, मतलब लेस हो गया, तो लेस्ली इसमें ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और ग्रांट को स्वर्ग ग्रांट करा दिया जाता है, मतलब ग्रांट मतलब दे देना, मतलब स्वर्ग को मतलब प्यारा करा दिया जाता है इन्हें। तो इसमें मरा कौन कौन था, एक लेस्ली मतलब लेस कर दिया गया था उसे, और एक ग्रांट मतलब उसको स्वर्ग ग्रांट करा दिया गया था। इससे आपको थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना है कि 2 आदमी का मौत हुआ था इसमें, लेफ्टिनेंट जो था नॉर्मन लेस्ली लेस कर दिया गया था, और ग्रांट को मार दिया गया था, मतलब उसको स्वर्ग ग्रांट करा दिया गया था। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया जाता है। अब मैकडोनाल्ड जो है अभी भी मैकडोनाल्ड प्रचलित है, तो मैकडोनाल्ड को उस समय भी याद रखना है कि उस समय भी मैकडोनाल्ड जो था वो बचा रह गया था, मतलब वो दबाया था, तो जब भी दबाया होगा रिवोल्ट को तो वो जिंदा हो रहा होगा, तो मेजर मैकडोनाल्ड इसे दबाया था, और विद्रोहियों सैनिकों को फांसी दे दिया गया, ये तो सब जगह पर किया जाएगा। देखिए पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आपको पूछेगा पटना या पटना सिटी से कौन मतलब नेतृत्व किया था विद्रोह का, तो पीर अली वो क्या थे, तो पुस्तक विक्रेता थे। इस समय क्या होता कि इसमें आर लॉयल को मार दिया जाता है, डॉक्टर आर लॉयल को, देखिए जो भी लॉयल मतलब सरकार के लिए लायल था उसको मारना जरूरी था, इसलिए इसको मार दिया जाता है। परंतु कमिश्नर टेलर जो था ये विद्रोह को दबा देता है। अब इसको कैसे दबा देता है, इसका मतलब कैसे याद रखना है कि जैसे अभी भी पटना में क्या होता है कि बालू खनन जब होता है तो टेलर से यूज़ किया जाता है उसको निकालने के लिए बालू को, तो उसी बालू को याद रखिए कि टेलर से निकाला जाता है। तो पटना में जो हुआ था ये रिवोल्ट, उसमें दबा दिया गया था, सभी को
जो भी मरे हुए थे उस सबको ले जाकर दबा दिया गया था, मतलब सारा कैप्चर कर लिया गया था, टेलर ने ये कैप्चर किया था। ठीक है, तो अभी भी क्या होता है कि टेलर काफ़ी सारा यूज हो रहा होता है वो पटना का जो गांधी सेतु के नीचे आप देखेंगे कि वहाँ पे बालू खनन जब होता है तब टेलर, तो कम जो पटना का जो था आपका पटना का विद्रोह को कौन दबाया था, तो टेलर ने दबाया था। ठीक है, और 17 व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था उस समय पीर अली सहित। 25 जुलाई को पटना के बाद मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद दानापुर वाला कैंट अभी भी है, तो उस समय भी रेजिमेंट था, तो इस सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। और शाहबाद जिला जो भोजपुर में है, जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, अब एंट्री होता है हीरो का, विद्रोह का प्रारंभ करते हैं। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन जो एरिया था सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना वाला इलाका में शासन, मतलब ये सैनिक शासन लागू कर देता है। ये जो पटना वाला इलाका है, ये सब पटना, चंपारण, तिरहुत वाला इलाका, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सब में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता, मतलब सैनिक को तैनात कर दिया गया होगा वहाँ पे। उसके बाद एक झुंड भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 लोगों को छोड़ा देता है, मुक्त करा देता है, और टिकरी राज को मतलब लूट करके 10,000 रुपये लूट लेता है वहाँ से। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य को वहाँ पे लूटा गया था भागलपुर में, तो वो टिकरी राज को लूटा गया था 1857 रिवोल्ट के समय। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह बिहार में हुए 1857 के क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया। ये कमिश्नर टेलर इनको क्या किया था कि भेंट करने के लिए भी बुलाया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये टेलर जो था, मतलब अंग्रेज ने क्या किया था कि मौलवी अहमदुल्ला, जिनको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेज़ों का मतलब एकदम कट्टर दुश्मन माना जाता था, इससे को इनको विश्वासघात कर किया गया था, इनको मदद करने के लिए बोला गया था, लेकिन नहीं मदद करके इनको घूस दे करके मरवा दिया गया था वहीं के एक लोकल आदमी से। तो उसी को देख करते हुए वीर कुंवर सिंह भी सोचे कि हमको भी ऐसे निपटा दिया जाएगा, तो ये कमिश्नर टेलर से मिलने का जो भेंट का प्रस्ताव था उसको ठुकरा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जगदीशपुर में क्या होता है कि बंदूकों और गोला बारूद के बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं ये वीर कुंवर सिंह, और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लेता है, मतलब इनका पूरा मिल करके ये लोग 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लेते हैं ये। उसके बाद आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन दानवर मारा गया, जो दानवर से आपको याद रखना है, दानव जो दानव रहेगा वो मारा ही जाएगा, तो कौन मारा था, दानवर मारा गया था उस समय। उसके बाद उस समय क्या होता कि कुंवर सिंह को वो छोड़ना पड़ता है आरा, और रीवा और बंदा के रास्ते होते हुए लखनऊ ये पहुँचते हैं, और अवध के साथ आजमगढ़ जिला का फरमान, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि वीर कुंवर सिंह जो थे नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था इन्होंने, और आजमगढ़ में भी ये अंग्रेज़ों को पराजित किया था इन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि 22 अप्रैल को ये वापस लौट रहे होते हैं, उसी समय कैप्टन ली ग्रांट, देखिए यहाँ भी ग्रांट है तो ये कोई बड़ा आदमी होगा, ये इसका मतलब बड़ा आदमी होगा, इसका मतलब कि ये जिंदा रह जाएगा, ली ग्रांट मरेगा नहीं इसमें। तो देखिए ये 22 अप्रैल को याद रखना है कि कब वापस आए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 22 अप्रैल किस तारीख को ये वापस आए, तो ये वापस लौट रहे थे कब, 22 अप्रैल 1858 को ये वापस आ रहे थे वीर कुंवर सिंह। उसके बाद 23 अप्रैल को इसको मतलब इसको पता चलता है, तो ये 23 अप्रैल को इनको घेरने लगता है, और ब्रिटिश का जो सेना था उसको कुंवर सिंह बुरी तरह पराजित करते हैं, लेकिन इनका उसमें हाथ पे एक गोली लग जाता है, तो किसका गोली लगा था, तो सेनापति डगलस याद रख सकते हैं कि ये हरामी ही होगा। इसका क्या होता है कि इसका गोली लग जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, अपने हाथ को काट के शिवराजपुर जो घाट है गंगा नदी के किनारे, उसमें ये अपना प्रवाहित कर देते हैं, और हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन जो था भेंट स्वीकार करो बोलते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट देख करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है 1858, ये भी पूछ सकता है कि किस तारीख को इनकी मृत्यु हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद
इनका ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अमर सिंह और हरी किशन सिंह ये याद रखिएगा कि दूसरा भाई था इनका, ये सब इसका करते हैं मतलब नेतृत्व, लेकिन बाद में विक्टोरिया इन्हें क्षमादान देने से मना कर देती है, अमर सिंह को, बाकी लोगों को क्षमादान दे देती है और इनको दंडित कर देती है। कांग्रेस की स्थापना देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना जो था, देखिए कांग्रेस का स्थापना जो था आपका 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा किया गया था कांग्रेस का स्थापना। प्रथम अधिवेशन का जो था डब्ल्यू सी बनर्जी, वैमोस चंद्र बनर्जी, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किया था इन्होंने। उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने डेलीगेट्स थे, उस समय 72 डेलीगेट्स थे इसमें, ये मॉडर्न इंडिया में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो 72 थे। उसके बाद ये याद रखना कैसे, तो 7-2 मतलब ये क्या हुआ था कि ये जब स्थापना हुआ था तो ज़्यादा लोग इस इनके साथ नहीं जुड़ रहे थे, तो ये बार बार आह्वान कर रहे थे इंडियंस से कि हमारा 7-2 तभी हम आपका कुछ कर पाएंगे, ठीक है आपके लिए 7-2। तो 7-2 से याद रखना है, ये 7-2 मांग रहे थे कि 7-2 हमारा, तो 7-2 से याद रखना है कि कितने डेलीगेट्स थे, तो 7-2 मतलब 7 और 2 72 थे। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देखिए, पहला अधिवेशन में कोई प्रतिनिधि नहीं था बिहार से, और दूसरा में आपका 31 प्रतिनिधि था। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि कितना प्रतिनिधि दूसरे अधिवेशन में थे, तो 31 और पहले में एक भी नहीं, तो 31 आपको याद रखना है, दूसरे में आपको 31 याद रखना है, 1, 2, 3 ठीक है, तो 31 याद रखना है आपको। देखिए उसके बाद क्या होता है कि बिहार में जो अधिवेशन हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला अधिवेशन जो था आपका बिहार का पहला मतलब 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब बिहार का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। अब इसका पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन मधुलकर थे। और अगला पूछेगा अगर आपसे कि 37वां कब हुआ था, 10 साल के बाद हुआ था, तो 1912 के बाद 1922 में होगा, और 27वां की जगह पर 37वां हो जाएगा ये, तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। उसके बाद सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, और इसी समय ये बोलते हैं कि हमको ये विधायिका के चुनाव में मतलब लेना है भाग, और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के ये स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि 54वां अधिवेशन कब हुआ था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि 1940 में रामगढ़ में ये झारखंड में हुआ था, उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस समय इसके अध्यक्ष थे। कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो ये पटना में हुआ था पहला, दूसरा गया में, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा रामगढ़ में हुआ था। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन जो बिहार का क्या योगदान था ये देखते हैं। बंगाल विभाजन जो था, घोषणा 20 जुलाई को किया गया था, 20 जुलाई 1905 को। तत्कालीन वैसराय कौन था, करजन। तो देखिए करजन से याद रखना है कि कजिन, मतलब जो अंग्रेज का कजिन होगा, मतलब जो रानी का कजिन होगा, वहीं तो इतना बड़ा मतलब डिसीजन ले पाएगा। तो कजिन से याद रखना है कि उस समय बंगाल विभाजन के समय में इतना बड़ा डिसीजन कौन लिया था, तो कजिन मतलब करजन से याद रखना है, कजिन और करजन एक जैसा राइमिंग है, तो करजिन याद रखना है, करजिन। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया ये। बंगभंग विरोधी आंदोलन चारों ओर शुरू कर दिया गया, बिहार में भी शुरू हुआ। तो ये याद रखना है कि उस समय कौन मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था दरभंगा में, किसके मतलब प्रेरणा से, तो ये प्रधानाध्यापक जो थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। तो देखिए चक्र से याद रखना है कि ये राखी जो होता है ये चक्र की तरह होता है, और उसके बाद चंद्र भी रहता है, ऐसे चंद्र वगैरह डिजाइन बनाया होता था, चंद्र चक्रवर्ती से याद रखना है, चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से। चंद्र चक्रवर्ती याद रखिएगा तो सतीश खुद ब खुद उसमें लिखा ही रहेगा ऑप्शन में। तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से ये दरभंगा में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया 16 दिसंबर 1905 को, इसी के खिलाफ बंगभंग जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन के फेवर में। ये विरोध का सशक्त बनाने के लिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया जाता है इसको, बंगभंग को मतलब विरोध में, और आपका ये स्वदेशी आंदोलन के मतलब फेवर में। या आप एक और तरह से देख सकते हैं कि उस समय बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का जो कैंपेन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, उस चीज़ के लिए भी बनाया गया था ये। 1906 में इसका गठन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपका कब हुआ था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, तो 1906 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अगला कि 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 16 अगर इसमें 15 साल जोड़ेंगे तो 1521 में हुआ था,
ये आपसे पूछेगा कि 1921 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1906 में ये आपका इसका गठन हुआ था। तो 1906 में 16वां अधिवेशन 15 साल बाद होगा, तो 1906 में जब हुआ था पहला, तो 15 साल बाद मतलब 1921 में 16वां अधिवेशन होगा आपका। बंगाल विभाजन 1911 जो दिल्ली दरबार था उसमें रद्द कर दिया जाता है। आपका अगला है ये मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 वाला देखना है कि 31 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे वो जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रिंगले कैंडी की पत्नी और पुत्री को मतलब ये बम लग जाता है उनके बोगी को और उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। उसका इसको घटना से आहत होकर के या जैसे भी हो प्रफुल्ल चंद्र चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को पूसा में पकड़ के, और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की सबसे कम, देखिए ये ऐसा ये थे कि इनका बहुत कम उम्र में ये क्रांतिकारी बने थे, 1908 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कर बोल रहे हैं ये फांसी कर दी, मतलब फांसी दे दिया जाता है इन्हें। देखिए और एक ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कांसर के बुक का, देखिए क्रांतिकारी आंदोलन जो देखते हैं 1906 से 7 के बीच में बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये आपसे पूछेगा कि 1906-07 में बाबा ठाकुर दास ने किसका मतलब किस सोसाइटी का ये स्थापना किया था, तो रामकृष्ण सोसाइटी का, या रामकृष्ण सोसाइटी का किसने किया था, तो बाबा ठाकुर दास, ये याद रखिएगा एकदम। देखिए ठाकुर हैं ये तो मतलब कैसा कोई ना कोई आश्रम ही करेंगे, तो ठाकुर दास नाम है इनका, तो भगवान के दास हैं, ठाकुर मतलब भगवान कृष्ण को बोला जाता है ठाकुर, तो ठाकुर दास ये राम के मतलब अवतार भी थे, मतलब विष्णु के अवतार ही दोनों थे राम और ठाकुर, ठीक है। तो इससे याद रखना है रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किया था इन्होंने। उसके बाद ये द मदरलैंड नाम से भी एक पत्र का प्रकाशन किया था, मतलब स्टार्ट किया था इन्होंने। उसका 30 अप्रैल 1908 को वहीं प्रिंगले कैंडी के गाड़ी पर ये आपका फैक्ट ऊपर भी हो गया है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी को 2 मई 1908 को आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को दे दिया गया फांसी। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, 1907 को शांति नारायण ने स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला था, मुजफ्फरपुर बम कांड का जिक्र किया था उसमें। इसमें क्या होता है कि ये स्टार्ट हुआ था 1907 में, ठीक है, लेकिन ये 1908 में इस पर लेख लिखे होंगे जिसके कारण इनकी लंबी कैद हो गई थी शांति नारायण को। पृथक आंदोलन, देखिए पृथक बिहार आंदोलन के बारे में देख लेते हैं कि जैसे 1906 में क्या होता है कि सच्चिदानंद सिन्हा, ये सच्चिदानंद सिन्हा को एकदम आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा फिल्म के मेन मतलब हीरो हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ही बिहार के मॉडर्न मतलब आधुनिक बिहार के जन्मदाता कहे जाते हैं, क्योंकि इनका ही योगदान था पृथक बिहार बनवाने में। तो सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा महेश नारायण के द्वारा क्या करते हैं कि ये एक मतलब समर्थन में एक पुस्तिका निकालते हैं जिसका नाम होता है बिहारी करके, ठीक है, बिहारी इनका मतलब पत्रिका का नाम रहता है। उसका राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1906 में छात्र सम्मेलन किया गया जिसमें वहीं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो आपको पहले पढ़ाया गया था अभी, उसमें ये बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। तो 1906 में किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में 1908 में संपन्न हुआ, ठीक है, ये प्रथम अधिवेशन बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो था ये 1908 में संपन्न हुआ था पहला अधिवेशन, जिसके आपका अध्यक्ष अधिवेशन का अध्यक्ष मतलब ये शुरुआत किया था मोहम्मद फखरुद्दीन ने, बंगाल से पृथक करने का एक प्रांत के रूप में गठित करने का ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ये घोषणा किया जाता है कि मतलब 1 अप्रैल को घोषणा किया जाता है कि पहले कि बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया जाएगा बंगाल से हटा के, और 22 मार्च 1912 को बिहार को एकदम विधिवत तरीके से ऑफिशियली अलग कर दिया जाता है, मतलब लेकिन पूरा जो काम पूरा होता है वो सारा काम 1 अप्रैल को होता है। इसीलिए ये 22 मार्च को ध्यान में रखते हुए बिहार जो है बिहार दिवस मनाती है, बिहार दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है इसी कारण ये इस दिन घोषणा कर दिया गया था ऑफिशियली, लेकिन 1 अप्रैल को 1912 को विधिवत तरीके से किया जाता है पूरा। तो 1912 को अगर किया गया तो 1913 में
अगर आपसे पूछेगा कि पहला जो था विधानसभा का जो बैठक था कब हुआ था, तो अभी तो 1912 अप्रैल में बनता ही है, तो एक साल तो लगेगा ही ये सब सारा व्यवस्था होने में, तो 1913 में बैठक होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार, ठीक है। 1908 में सरफराज हुसैन खान के अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सभा आयोजन होती है, बिहार कांग्रेस का एक सभा आयोजन होता है, इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है, प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम होते हैं। देखिए ये इस समय ये भी देखा जा रहा है कि देखिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में थोड़ा सा तनाव हो गया था 1906 में जब मुस्लिम लीग बना, तो उस समय थोड़ा तनाव हो गया था, जिसके कारण ये क्या करते हैं हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बिहार में कांग्रेस सभा आयोजित किया जाता है, जिसका कोषाध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे और अध्यक्ष हसन इमाम। और बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से क्या होता है कि बिहार कांग्रेस कमेटी का ये दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन आपका उस समय हुआ था और दूसरा अधिवेशन भागलपुर में होता है, ये पटना में पहला अधिवेशन होता है इनका हसन इमाम के अध्यक्षता में, और दूसरा अधिवेशन आपका भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में होता है। तो दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से हुआ था ये, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था, प्रयास से हुआ था ये दूसरा कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन भागलपुर में, और अध्यक्ष कौन थे। अब अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ये दूसरा कांग्रेस कमेटी जो था बिहार का वो कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा का, ये हीरो थे उस समय के, 1909 में हुआ था, तो 1908 में गठन हुआ था और पहला पटना में हुआ था मतलब हसन इमाम के अध्यक्षता में, दूसरा आपका 1909 में हुआ था कहाँ पे, भागलपुर में, और किसके अध्यक्षता में, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में, याद रखिएगा। और उसके बाद बीसवा अधिवेशन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि कहाँ पे हुआ है, तो ये बारहवां अधिवेशन 1920 में, देखिए 1908 के बाद बारहवां अधिवेशन 1920 में होगा भागलपुर में, ये भी भागलपुर में, और दूसरा भी भागलपुर में हुआ था। 1912 में आपका वहीं आपको बताएंगे 27वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें आर एन मधुलकर थे, और महामंत्री आपको ये याद रखना है कि उस समय महामंत्री कौन थे, दूसरा मतलब ये जो बिहार का 1912 में जो पहला अधिवेशन हुआ था 27वां सम्मेलन मतलब अधिवेशन कांग्रेस का जो पटना में बांकीपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष तो सभी को याद रहता है कि आर एन मधुलकर, लेकिन आपसे अगर पूछे महामंत्री कौन था तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा। और स्वागतकर्ता कौन थे, स्वागतकर्ता समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे, इनको भी याद रखिएगा मजहरुल हक को, अब आगे आएंगे ये। बिहार से मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा को 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य में के लिए चुना गया था, ठीक है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये दोनों थे, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं पूरे बिहार में, जब तक बिहार का ये 1935-36 तक। देखिए सर शंकर नायर द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो था 1916 में प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, अगर पूछेगा पटना विश्वविद्यालय का जो विधेयक था वो किसके द्वारा विधान परिषद में मतलब ये पेश किया गया था, तो शंकर नायर के द्वारा। देखिए पढ़ाई से रिलेटेड जो भी होगा वो शंकर नायर मतलब भगवान के द्वारा ही होगा, तो शंकर नायर के द्वारा ये किया गया था 1916 में, यह प्रस्तुत किया जाता है और 1917 में ये पटना यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो जाता है। 1916 में प्रस्तुत किया गया विधेयक और 1917 में एक साल के बाद इसका बना दिया जाता है विश्वविद्यालय। और 1916 में आपको याद रखना है कि 1916 में आपका पटना उच्च न्यायालय का और 1917 में विश्वविद्यालय स्थापना होता है। 1918 में क्या होता है कि सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस, ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, देखिए अब ऊपर में जो फैक्ट बचा हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं, होम रूल लीग को देखते हैं। देखिए होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मद्रास में ये शुरू की थी और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पूना में किए थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, तो ये पुणे में ये इन्होंने होम रूल लीग शुरू किया था और मद्रास में आपका एनी बेसेंट ने किया था। अब देखिए बिहार में भी कुछ ना कुछ हुआ होता, बिहार में देखिए इसको कैसे याद रखना कि बिहार में किसने इसको नेतृत्व किया था, तो मजहरुल हक, इसमें भी देखिए इसमें होम रूल में रूल आ रहा है और इसमें मजहरुल में रूल आ रहा है, तो मौलाना मजहरुल हक ने ये आपका होम रूल का अध्यक्षता किया था 1916 में, 16 दिसंबर 1916 में।
इसके आपका आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष कौन कौन थे, तो उपाध्यक्ष आपका खान बहादुर, सरफराज हुसैन एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे, और चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। सचिव पूछता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और सब मतलब जैसे जो भी गठन हुआ था उसका सचिव का, तो आपको इसका भी याद रखना चाहिए कि चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह। बैद्यनाथ नारायण सिंह का भी नाम याद रखिएगा, इनका भी बहुत योगदान रहा है बिहार के हिस्ट्री में। श्रीमती एनी बेसेंट जो थे दो बार, एक बार 18 अप्रैल 1918 में और 25 जुलाई 1918 में ये पटना आई थी होम रूल की विचार को सबको अवगत कराने के लिए। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था बिहार में उस समय उपराज्यपाल आपका एडवर्ड गेट थे, ठीक है, एडवर्ड गेट। आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है कि चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए तीनकठिया प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है, चंपारण में किसानों के लिए तीनकठिया प्रणाली, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके तहत किसानों को 20 कट्ठा में तीन कट्ठा मतलब 3/20 मतलब टोटल 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था के प्रति किसान में काफ़ी आक्रोश था, नील का फसल भूमि बंजर बना दे रहा था, ठीक है, इसके बाद आर्थिक शोषक भी था ये। 1916 में क्या होता है कि देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, उसी समय ब्रजकिशोर प्रसाद और रसकुमार शुक्ला और अन्य भी लोग थे बिहार के तरफ से, जैसे सेकेंड अधिवेशन में 31 प्रतिनिधि गया था ना बिहार से, उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे प्रतिनिधि गए होते हैं, जिसमें चंपारण के या आपका चंपारण के तरफ से चंपारण का नेतृत्व करने के लिए आपका रसकुमार शुक्ला और ब्रजकिशोर प्रसाद 1916 में भाग लेने जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन में कि कुछ हो जाए वहाँ पे, इसके बारे में कुछ अवगत करवाएं हम। तो रसकुमार शुक्ला का यहाँ पे एक फैक्ट है कि कहाँ के थे, तो मुरली भरवा के थे, रहने वाले थे। तो रसकुमार से याद मतलब मुरली भरवा को कैसे याद रखना है कि कहाँ के थे ये रसकुमार शुक्ला, तो देखिए रसकुमार जो तिरंगा फिल्म में रसकुमार जो हीरो हैं वो हमेशा मुँह में एक सिगार रखे रहते थे, ठीक है, तो मतलब मुरली की तरह वो दिखता था, मतलब भगवान भी तो मतलब कृष्ण भी तो मुरली रखते थे, उसी तरह से वो राजकुमार भी मुरली रखते थे, ठीक है, मुरली की तरह वो मतलब सिगरेट रखते थे एक तरह से देखिए, तो याद करने के लिए ये बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला मुरली इसे याद रखना, मुरली भरवा के रहने वाले थे। अब जो बिहार के होंगे मतलब जो आपका बिहार के होंगे या आपके मोतिहारी के होंगे वो सब तो जानते ही होंगे मुरली भरवा, लेकिन जो आउट ऑफ बिहार हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा रेफरेंस देना ज़रूरी है ताकि याद रहे। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से उसी में मतलब मुलाकात किया लखनऊ अधिवेशन में और किसानों की समस्या के बारे में आमंत्रित किया कि चलिए हमारे किसान का समस्या सुनिए, तो उसका बात को ध्यान रखते हुए गांधी जी जो थे कलकत्ता से आते हुए मतलब कलकत्ता जाते वक्त पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को, 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण पहुंचते हैं मोतिहारी में और प्लांटर्स से मिलकर के वो बात करते हैं, जिसमें विल्सन जो जे एम विल्सन था उसके उसे क्या करता है कि सहयोग मांगते हैं, लेकिन वो सहयोग देने से मना कर देता है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन था उसमें, हार्टकॉक था, देखिए ये हार्ड था इसलिए ये हार्ड था इसलिए ये इतना जुल्म ढा रहा था लोगों पे और ये सुनवाई नहीं कर पा रहा था, लोगों का बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो हार्ड से याद रखना है कि उस समय मजिस्ट्रेट कौन था, तो हार्टकॉक था। उसके बाद 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी किया जाता है इनके खिलाफ और धारा 144 का उल्लंघन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 अप्रैल 1917 को रिहा कर दिया जाता है फिर वापस इनको, और जांच स्वतंत्र रिपोर्ट जो है ये मुख्य सचिव को सौंप देते हैं ये अपना रिपोर्ट 13 मई 1917 को। उसके बाद क्या होता है कि उस सब रिपोर्ट को देख करके एक मतलब चंपारण एग्रीरियन समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन था, मध्य प्रदेश के आयुक्त जो थे FG सलाई। सलाई से याद रखना है कि इसका एसोसिएशन का जो एग्रीरियन समिति जो था इसके अध्यक्ष कौन बनाया था, तो उसी को बनाया जाएगा जो कि अभी जो है इसी के बाद पूरा नील का खेती पूरे मतलब धरे से बंद कर दिया जाता है पूरे बिहार में, तो पूरा मलियमेट कर दिया जाएगा, इसका मतलब कि पूरा जो भी पेड़ पौधा होगा मतलब वो जो पौधा होगा उसका नील का उसको जलाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, माचिस का, मतलब माचिस को सलाई भी बोलते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए सलाई, ये याद रखना है कि रेफरेंस के तौर पे कि सलाई
नाम का एक FG सलाई नाम का अध्यक्ष था इस समिति का अध्यक्ष, जो कि चंपारण एग्रीरियन समिति, जो नील की जांच, मतलब नील का जो खेती हो रहा था उसके बारे में जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये अपना रिपोर्ट तिनकठिया प्रणाली, मतलब ये अपने रिपोर्ट में बोलता है कि तिनकठिया प्रणाली एक्चुअल में सही में शोषक है और ये तिनकठिया प्रणाली को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। और इसी के साथ प्रथम सत्याग्रह सफल रहता है गांधी जी का। इसको इसी के साथ क्या होता है कि अब इसमें पूछता है कि क्वेश्चन में कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन प्रमुख सहयोगी थे, और इसमें दो तीन नाम दे देगा और एक नाम एक्स्ट्रा अलग से दे देगा जिसको आपको चुनना पड़ेगा कि उसमें से ये लोग नहीं थे। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से लोग थे इनके साथ, कौन कौन किस किन किन ने साथ दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, क्योंकि उस समय के मेन नेता थे राजेंद्र प्रसाद। ब्रजकिशोर भी थे ही, ब्रजकिशोर प्रसाद वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, वो तो रहेंगे ही क्योंकि वो पटना में मतलब मुख्य मतलब उस समय नेता होते हैं। धरणीधर को आपको याद रखना है। एक मजहरुल हक थे ही, क्योंकि ये 1916 में हाल ही में मजहरुल हक एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग है उसका स्थापना किया था इन्होंने। राजकुमार शुक्ला तो रहेंगे ही क्योंकि राजकुमार शुक्ला ही तो गए थे। रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण जो मोतिहारी के होंगे उनको पता होगा कि शंभू शरण एक विख्यात डॉक्टर हुआ करते थे जिनका देहांत हो गया, उन्हीं के बेटा मतलब अभी बहुत बड़ा डॉक्टर हैं। उसके बारे में तो छोड़िए, लेकिन रेफरेंस के लिए आपको याद रखना है कि शंभू शरण भी थे बिहार के, जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उस समय शंभू शरण, रामनवमी प्रसाद भी थे और धरणीधर। ये तीन आपको अननोन नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है, धरणीधर, रामनवमी और शंभू शरण। बाकी मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ला और आपका राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये लोग नोन हैं आपके। चंपारण सत्याग्रह में भारत में चलाया प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद जून 1919 में क्या होता है कि इसी से प्रेरित होकर के मधुबनी जिले में किसानों ने मतलब दरभंगा के राजा के विरुद्ध आंदोलन कर देता है। उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? स्वामी विद्यानंद। तो आपसे पूछेगा कि किसान नेता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों थे। स्वामी सहजानंद भी थे और स्वामी विद्यानंद, ये लोग किसान नेता थे। अब किसान सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये शाह मोहम्मद जुबैर, अब इसका अध्यक्षता इन्होंने किया था शाह मोहम्मद जुबैर। अब कैसे याद होगा, ये मुंगेर में शुरुआत हुआ किसान सभा का। किसान सभा का शुरुआत 1922-23 में कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। ये कैसे याद रखना है, तो इसको देखिए, मूंग होता है, मूंग का दाल होता है, तो मूंग से याद रखना है कि मूंग मतलब पहले ऑप्शन में होगा कि भाई मुंगेर, भागलपुर, ये सब तो आपको चुनना है उसमें से। तो आपको रेफरेंस में के तौर पे याद रखना है कि किसान सभा का जो शुरुआत हुआ होगा कहाँ से हुआ होगा, तो मूंग। हम मैं अभी याद करवा रहा हूँ आपको कि मूंग से मुंगेर याद रखना है। मूंग का खेती होता है तो किसान से रिलेटेड होता है, इसलिए मुंगेर आपका रिलेट करना है, ठीक है। मुंगेर में हुआ था इसका किसान सभा का गठन। उसके बाद शाह मोहम्मद जुबैर में बैर याद रखिए, बैर जो खाने वाला बैर होता है उससे आपको बैर को रेफरेंस रखना है। तो जुबैर नाम का जो मतलब मोहम्मद जुबैर जो थे उनकी अध्यक्षता में ये गठन हुआ था। इसके उपाध्यक्ष जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह अब याद रखिएगा कि आगे अब आने वाले पूरा मतलब इनका चर्चा होने वाला है। श्री कृष्ण सिंह यही हैं कि जो पहला मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का 1937 में, 1935 के एक्ट के तहत जो चुनाव होगा 1937 में था। उसका सिद्धेश्वर चौधरी भी थे और नंद किशोर सिंह सचिव थे इस समय। ये आपको ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद जुबैर तो अध्यक्षता आपको याद ही रखना है, और एक और याद रखना है उपाध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण सिंह थे। ये पहले ये देखते हैं 1928 में क्या होता है कि देखिए 1922-23 में वो हुआ था शाह मोहम्मद जुबैर मतलब ये किसान सभा का गठन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि औपचारिक तौर पर बिहटा के पटना में स्वामी सहजानंद ने, सरस्वती ने इसका विधिवत रूप से किसान सभा का गठन किया, स्थापना किया, लेकिन ये भी उसने सही तरीके से गठन नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है कि सोनपुर मेला जो नवंबर के समय में लगता है, नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की अध्यक्षता में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है, जिसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। ये याद रखना है आपको। देखिए, आपसे अगर पूछेगा प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये नवंबर 1929 में हुआ था। 1929 में याद रखना है, प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। और
आपका केवल किसान सभा, सिंपल किसान सभा अगर पूछे तो 1928 में हुआ था, या ऑप्शन में 1922-23 रहे वो भी देख सकते हैं, वो ऑप्शन के हिसाब पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय अगर लगा रहा है उसके साथ, तो प्रांतीय किसान सभा आपका 1929 में हुआ है। और स्वामी सहजानंद, मैंने बताया कि विद्यानंद और सहजानंद दोनों मतलब एकदम बड़ा नेता थे ये किसानों के, तो और श्रीकृष्ण सिंह उस समय अध्यक्षता किया था प्रांतीय किसान सभा का, और सचिव के कौन थे, सचिव थे ये, अध्यक्षता तो स्वामी सहजानंद का था, ठीक है, सॉरी स्वामी सहजानंद का अध्यक्षता था, ठीक है, और प्रांतीय किसान सभा का सचिव जो थे वो श्रीकृष्ण सिंह थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में गठन हुआ था, इसके सचिव कौन थे, तो श्रीकृष्ण सिंह थे। और आगे पूछ सकते हैं आपसे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। देखिए सचिव ज़्यादा पूछता है, क्योंकि देखिए अध्यक्षता ये आगे अखिल भारतीय जो था उसमें भी आप मतलब इनका देखेंगे योगदान, यहाँ पर अखिल भारतीय की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था, तो इसलिए ये याद रहता है लोगों को, लेकिन सचिव के बारे में याद नहीं रहता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बिहार किसान आंदोलन के सदस्य कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी हुआ है बीपीएससी में। तो इसका जो थे कार्यानंद शर्मा, इसको कैसे याद रखना है, कार्य किसान कर्मठ होते हैं, मतलब कार्य से रिलेटेड होते हैं, कार्य करते हैं ज़्यादा, तो कार्यानंद शर्मा किसान होंगे ही, किसान आंदोलन के पार्ट। राहुल संकृत्यायन, देखिए राहुल से संकृत्यायन से याद रखना है, राहुल जैसे राहुल गांधी हैं, तो ये जब तक पूरा मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है, तो अभी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब आसार है आगे बनने का इनको, तो आपको राहुल से याद रखना है कि ये कर्मठ होने चाहिए, तो राहुल नाम के जो आदमी होगा वो कर्मठ होता ही है ज़्यादातर, तो ये किसान के नेता थे राहुल, ये रेफरेंस से याद रखिएगा। पंचानंद शर्मा, पंचानंद से आपको पंच याद रखना है, पंच कहाँ पर चुना जाता है, आपका गाँव जवार में ही चुना जाता है, मुखिया के चुनाव जब होता है तो पंच से याद रखना है पंचानंद शर्मा। यदुनंद शर्मा, यदुनंद को यादव से याद रखना है, यदुनंद शर्मा, ठीक है, यादव, यादव लोग भी गांव में रहते हैं ज़्यादातर, तो यादव लोगों को याद रखना है यादव शर्मा। तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद और यदुनंद शर्मा, ये सब किसान नेता थे। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो होता है, पहला अधिवेशन सोनपुर में होता है, ठीक है, सोनपुर मेला में, और दूसरा अधिवेशन आपका कहाँ होता है, हाजीपुर में, दूसरा गया में होता है शायद, सॉरी गया में होता है, तीसरा हाजीपुर में होता है। दूसरा जो होता है आपका किसान सभा का, पुरुषोत्तम टंडन के, पुरुषोत्तम दास टंडन इस समय अध्यक्षता कर रहे होते हैं, 1934 में ये होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के ही अध्यक्षता में होता है 1935 में हाजीपुर में। तो यहाँ पे देखिए प्रथम अधिवेशन सोनपुर में, सोनपुर के मेला में, दूसरा अधिवेशन गया में 1934 में, जिसका अध्यक्षता कौन किसने किया था, पुरुषोत्तम टंडन ने, सॉरी। तृतीय जो था हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद ने, तो स्वामी सहजानंद प्रथम का भी थे और तृतीय का भी थे, और सेकंड का आपका पुरुषोत्तम टंडन थे। उसके बाद क्या होता है कि कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बरहिया ताल बिहार प्रांतीय किसान सभा के ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये बिहार बरहिया ताल मुंगेर में जो है वहाँ पे किसने किया था ये, तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया था 1936 में। 1936 में ही क्या होता है कि लखनऊ में ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, ऑल इंडिया, वो था प्रांतीय किसान सभा, ये है प्रांतीय किसान सभा आपका 1929 में, अगर आपसे पूछता है प्रांतीय किसान सभा तो 1929 में, और आपका अखिल भारतीय ऑल इंडिया किसान सभा अगर आपसे पूछता है तो 1936 में। देखिए 36 से याद रखना है कि 36 से आंकड़ा, देखिए जब भी 36 का आंकड़ा देना होगा मतलब ऑल इंडिया में आपको जाना होगा, तो 36 का आंकड़ा आपको सामना करना पड़ेगा, तो मतलब 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब ज़्यादा मतलब कंपटीशन रहता है, ठीक है, ऑल इंडिया के तौर पर, तो 36 में ये हुआ था भारतीय किसान सभा का गठन। उसमें सचिव कौन था, एन जी रंगा, ये याद रखना आपको, अध्यक्ष वहीं आपके हीरो स्वामी सहजानंद, किसानों के हीरो स्वामी सहजानंद थे, अध्यक्षता उन्होंने की थी, और सचिव एन जी रंगा थे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, एन जी रंगा थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये मुख्य नेता कहाँ कहाँ से ये लोग थे,
तो देखिए यदुनंद शर्मा गया से थे, तो इसको कैसे याद रखना, गया से थे तो यदुनंद से हमने याद करवाया था आपको यादव, तो यादव लोग गाय पालते हैं ज़्यादा, तो यादव यदुनंद से यादव याद रखना है, और गाय पालते थे गया, गया वाला क्षेत्र था इनका, उस इलाके में नेतृत्व किया था इन्होंने। यमुना करई जो थे दरभंगा और सारण वाला इलाके में किया था इन्होंने, दरभंगा और सारण वाला इलाके में यमुना करई थे, और करनंद शर्मा आपका मुंगेर में। तो देखिए कारनंद से आपको याद रखना कि कार्य ज़्यादा करना पड़ता है मूंग बोने में, मूंग को उपजाने में, मूंग से मुंगेर याद रखना है, और करनंद शर्मा से याद रखना है आपको कि करनंद शर्मा ज़्यादा कार्य कर रहे थे मुंगेर मतलब मूंग उठा मतलब उगाने में, तो आपको इससे याद रखना है कि मुंगेर से करनंद शर्मा नेतृत्व किए थे। आपका राहुल संकृत्यायन जो थे सिवान से थे, ठीक है, सिवान का मतलब राहुल संकृत्यायन कर रहे थे। यदुनंद शर्मा आपको याद रखना है गया से, ये पूरा कंप्लीट हो गया। खिलाफत आंदोलन को आप देखिए, चलिए दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ था, उसका करनंद शर्मा ने ही किया था दरभंगा में, और आपका मुंगेर में, मुंगेर और दरभंगा में भी एक मतलब हुआ था उस समय आंदोलन, उसमें भी दरभंगा में किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व भी करनंद शर्मा ने ही किया था, और यमुना कराई भी थे उस साथ में। देखिए खिलाफत आंदोलन और बिहार, देखिए आपको सिंपल आपको ध्यान देना है बातों पर, आपको जब क्वेश्चन कराया जाएगा इसके लास्ट में तो आपको सब एकदम सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सारा आपको याद है, सारा आपको जो रेफरेंस के लिए तौर पे याद करवाया जा रहा है सारा आपको उस समय काम देगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है कि ये तुर्की के खलीफा के अपमान में ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजित किया जाता है, हसन इमाम की अध्यक्षता में, कौन किसके अध्यक्षता में, हसन इमाम के अध्यक्षता में, ठीक है, और शांति समारोह में बहिष्कार का आह्वान किया जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खिलाफत में फेमस कौन कौन नेता थे, तो मौलाना शौकत अली पटना आए थे, ठीक है, उस समय तो शौकत शांत शौकत वाला आदमी जो होता है वो फेमस होता ही है, तो फेमस नेता रहेंगे ही खिलाफत, खिलाफत के समय में कौन था, शौकत अली, शौक मतलब जो शानो शौकत वाले मतलब फेमस आदमी, शौकत अली से याद रखना है आपको। खिलाफत दिवस के अवसर पर नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद से रिजाइन दे दिया था, नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद से इन्होंने दे दिया था रिजाइन, और मुंगेर के वकील मोहम्मद जुबैर जो वही किसान सभा वाले थे, वो मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। 19 मार्च अगला है कि 19 मार्च को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन साथ साथ संचालित हुआ, और बाद में वो मुस्तफ़ा कलाम कमाल पासा जो थे वो सब पद को ख़त्म कर देते हैं, उसका ख़त्म हो जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असहयोग आंदोलन और बिहार, देखिए असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि 1 अगस्त 1919 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया, 1 अगस्त, देखिए नया शुरुआत कोई भी होगा अगस्त में होगा, इसे अगस्त में क्या हुआ आपका असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ, ठीक है। अगला है कि आपका सितंबर 1919 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या होता है कि कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है सितंबर में 1919 में, और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसके प्रस्ताव को स्वीकार करवाया जाता है, और उस पर मुहर लगवाया जाता है, 1920 के अधिवेशन में पूर्ण स्वीकृति दी जाती है जो कि नागपुर में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बिहार के इससे पूर्व प्रांतीय सम्मेलन अगला है जो फैक्ट, 12वीं अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो देखिए ये आपका ये जो धरणीधर ने प्रस्तुत किया था ये संबंधित प्रस्ताव, दरभंगा के धरणीधर ने 12वीं अधिवेशन में हुआ था भागलपुर में, ये आपसे पूछेगा 12वीं अधिवेशन जो था बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो 1908 में गठन हुआ था उसका 12वां जो था भागलपुर में हुआ था, और सेकेंड भी भागलपुर में ही हुआ था, ठीक है, आपका 1908 में इसका गठन हुआ था, कौन सा प्रांतीय बिहार मतलब कांग्रेस का जो प्रांतीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो था वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था, ये 12वीं अधिवेशन जो था इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय आपका सहयोग आंदोलन चल रहा है, इसलिए इस ये अधिवेशन आपको उछ जाने का चांस है, 12वां अधिवेशन था ये प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, अगर आपसे पूछेगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब मतलब इसका गठन किया गया था, तो 1908 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था अभी 12वीं का, तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखना आपको। एक और चीज़ याद रखना है कि शाहबाद,
जो भोजपुर में है वहाँ पे नसाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था 1920 असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद मोहम्मद शफी दाऊद नेताओं ने विधायकी का चुनाव मतलब विधायिका को जो चुनाव होने वाला था उसमें भाग लेने से मना कर दिया था, मतलब वापस ले लिया था नाम। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया और राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी, जो कि मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके भाई थे राजेंद्र प्रसाद के, महेंद्र प्रसाद भाई थे, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनके नाम के पहले जो राय साहब जो लगता था उसको भी लौटा देते हैं और राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ देते हैं। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक, देखिए उस समय शिक्षा के लिए भी स्टूडेंट्स अपना स्कूल और कॉलेज छोड़ रहे होते हैं, तो उस समय कोई ना कोई तो विकल्प देना पड़ेगा ताकि वो पढ़ सके कहीं ना कहीं। तो एक मतलब एक स्थापना किया जाता है महाविद्यालय का, राष्ट्रीय महाविद्यालय के नाम से, जिसका प्राचार्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और उसी के अंदर में एक क्या होता है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है 6 फरवरी को, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद्यापीठ जो राष्ट्रीय महाविद्यालय के अंदर में था प्रांगण में, उसका उद्घाटन कौन करता है, तो गांधी जी करते हैं 1921 में। और मजहरुल हक इसके कुलाधिपति होते हैं, राष्ट्रीय महाविद्यालय के कुलाधिपति मजहरुल हक, ठीक है, आपका ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बनते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक, हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है, मजहरुल हक सदाकत आश्रम का ये गठन स्थापना करते हैं, सदाकत आश्रम स्थापना करते हैं मजहरुल हक, जो कि इनके खैरू मियाँ के द्वारा दिया गया था, इनके मित्र के द्वारा। और ये मजहरुल हक सदाकत आश्रम इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसी आश्रम से, सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ करते हैं जिसमें राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मजहरुल मतलब सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था, तो सदाकत का आपका मजहरुल हक ने किया था, ये याद रखना एकदम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद आपका। 22 दिसंबर प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज जो है वो पटना आता है, जिसमें हड़ताल आयोजित किया जाता है पटना शहर में। 5 फरवरी, हाँ यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चोरी चोरा का जो कांड हुआ था, घटना जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं, ये एक याद रखना है कि फुलवारी में जो था मौलाना सजाद नाम के एक मतलब आदमी थे, वो असहयोग आंदोलन के समय इमारत ए सरिया स्थापना संस्था का स्थापना किया था, गठन किया था इन्होंने। शाहबाद डुमराव में, देखिए शाहबाद डुमराव में आपका भोजपुर में नशाबंदी मतलब आंदोलन चलाया जाता है, भागलपुर में शराबबंदी आंदोलन चलाया जाता है। भागलपुर में देखिए शराब पी करके भागता है लोग, शराब पी करके इधर उधर भागता है लोग हैं, तो इसलिए भागलपुर में आपको शराबबंदी याद रखना है। शाहबाद में साहब लोग शराब पीते हैं, तो वहाँ पे नशाबंदी चलाया गया, ठीक है, तो ये याद रखना है दोनों को रेफरेंस के तौर पे। भागलपुर में झंडा कांड की घटना हुई थी 1922 में, ये भागलपुर था, वहाँ पे भागलपुर में दो कांड मतलब दो आंदोलन मतलब हुआ था, एक झंडा कांड और एक शराबबंदी आंदोलन शुरुआत मतलब शुरू हुआ था वहाँ पे, किया गया था, ठीक है। 1919 एक्ट के प्रावधान के अनुरूप सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे, इनको बिहार का गवर्नर बनाया जाता है 1919 के एक्ट के तहत, ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे पहले भारतीय गवर्नर थे, बिहार के बने हुए थे ये गवर्नर। कौमी सेवक दल का मुख्यालय जो था वो मुजफ्फरपुर था, कौमी सेवक दल का मुख्यालय आपका मुजफ्फरपुर में था। स्वराज पार्टी और बिहार के बारे में देखते हैं कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन क्या होता है, कि 1922 में, देखिए स्वराज पार्टी का गठन और बिहार, देखिए स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, किसके द्वारा, तो सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो बिहार में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो बिहार में उसका एक शाखा खुलता है, ठीक है, अब उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 37वां अधिवेशन होता है उसके, अब ये बना क्यों इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 37वां अधिवेशन होता है 1922 में कांग्रेस का, कहाँ पे, गया में। उसका अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु इनको बोला जाता है। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि विधायिका का जो चुनाव आने वाला है उसमें मतलब उसका बहिष्कार किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। तो ये
दिक्कत ये था कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके फेवर में थे, वो चाह रहे थे कि हम विधायिका का चुनाव लड़ें और विधायिका में जा करके और सरकार पे दबाव बनाए। तो क्या होता है कि ये दोनों मतलब उस समय इसके असंतुष्ट होकर के और कांग्रेस को छोड़ करके और अपना एक नया पार्टी गठन करते हैं जिसका नाम आपका होता है स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1923 में और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद उसी का एक शाखा जो है वो फरवरी 1923 में ही स्वराज पार्टी का गठन होता है पटना में। किसके उसके प्रमुख नेता थे? श्री कृष्ण सिंह। उसके प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो नारायण प्रसाद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है श्री नारायण प्रसाद कि प्रथम अध्यक्ष बिहार स्वराज पार्टी के, बिहार स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी नहीं, बिहार स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे। सचिव अब्दुल बारी थे, सचिव अब्दुल बारी थे। तो ये अगर आपसे पूछेगा अभी आपकी के अगर क्वेश्चन में पूछता है 69th में इसके सचिव कौन थे बिहार स्वराज पार्टी के, तो अब्दुल बारी थे। ठीक है, और साइमन कमीशन देखते हैं कि साइमन कमीशन 1919 का जो आपका ये था एक्ट था उस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाला, उसका देखने के लिए कि उसका सुधार कितना हुआ है इंडिया में। वो क्या था कि 10 साल के बाद आने वाला था 1929 में, लेकिन वो एक साल पहले ही साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है बिहार में, मतलब भारत में। तो उसमें क्या होता है कि 21 सदस्य इंडिया का नहीं होता है। अब बताइए कि इंडिया का कोई मतलब विकास हुआ कि नहीं, मतलब कौन सा लोग कितना अच्छा कारीगर है नहीं है, ये चेक करने के लिए यहाँ के लोगों का भी तो होना चाहिए, लेकिन ये होते नहीं है जिसके कारण इसका बहिष्कार किया जाता है। ये साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था, एक्चुअल में आना चाहिए 1929 में, लेकिन ये एक साल पहले ही आ जाता है। ठीक है, ये आयोग जांच करने के उद्देश्य से आया था जो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, राष्ट्रीय स्तर पर किसने नेतृत्व किया था? तो लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। और 12 दिसंबर को पटना आया ये साइमन कमीशन। उस समय किसने नेतृत्व किया? तो अनुग्रह नारायण, आपको याद रखना है अनुग्रह नारायण को रेफरेंस में रखना है कि अनुग्रह नारायण इतना फेमस थे तभी तो अनुग्रह नारायण कॉलेज खुला हुआ है वहाँ पर। तो पटना में जो आया था साइमन कमीशन, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार नौजवान विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। और आपको पूछेगा उस समय के विदेशी बहिष्कार, वस्त्र बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को देखते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में होता है, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, देखिए अभी बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ये, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक तौर पर जो गठन होता है 1934 में होता है, 1934 में। ठीक है, आपको ये याद रखना है 1934 में, और 1931 में ये मतलब इसका गठन होता है। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि अगर अलग अलग पूछता है इसका, ठीक है, तो 1931 का अगर आपसे पूछता है कि 1931 का जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, एकदम क्लियर करके पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 1931 में जो बिहार मतलब बिहार का सोशलिस्ट पार्टी है या बिहार का समाजवादी पार्टी है, उसका मतलब किसने गठन किया था? तो उसका गठन आपका एक्चुअल में किया था गंगा शरण सिन्हा। अगर आपको ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका आंसर देता है गंगा शरण सिन्हा, लेकिन बिहार बीपीएससी एक ऐसा है जो कि इसमें नाम भी नहीं दिया हुआ, लेकिन वो फूलन प्रसाद वर्मा को मानता है आंसर। तो आपको याद रखना है बिहार स्वराज पार्टी मतलब ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया था किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा, याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि सोशलिस्ट लोग जो होते हैं वो मुँह फुला लेते हैं, ठीक है, किसी बात बात पर, और वो बॉयकॉट करने लगते हैं किसी भी चीज़ का। तो फुला लेते हैं मुँह से, याद रखना है कि फूलन प्रसाद ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। बाकी आपको सदस्य के तौर पे याद रखना है कि गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये लोग थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि सोशलिस्ट लोग जो होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो वो शरण मतलब गंगा के शरण में, मतलब हमेशा किसी ना किसी के शरण में जाने का सोचते हैं। ठीक है, राम वृक्षपुरी, देखिए वृक्ष जो है ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा रेफरेंस आपको याद रखना है। 1934 में अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का विधिवत औपचारिक रूप से स्थापना किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1934 के जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव भी पूछा हुआ है, सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। एक्चुअल में जयप्रकाश नारायण का ही पार्टी है ये आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अन्य सदस्य में राम बिरक्ष मैनीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, अब्दुल बारी थे, योगेंद्र शुक्ला थे, बसावन सिंह थे और कर्पूरी ठाकुर थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब समाजवादी, जो बिहार समाजवादी पार्टी था उससे रिलेटेड थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नेता नहीं थे इनमें से, और ऑप्शन में आपको ये सब दिया रहेगा और एक मतलब और दिया रहेगा, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। राम बिरक्ष मैनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर का कॉलेज भी है हमारे मोतिहारी में, ठीक है। तो उसे याद रखना है कि बसवान सिंह, अब्दुल बारी, उसके बाद योगेंद्र शुक्ल याद रखना है। इस गठन मुख्य ये कुछ नहीं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अंजुमन इस्लामिया हॉल में अध्यक्ष नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये इसका हिंदी होता है, मतलब इंग्लिश होता है, वो बिहार में। तो देखिए लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज का मतलब मांग किया जाता है, पूर्ण स्वराज का। और 26 जनवरी 1930 को बोला जाता है कि पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे हम लोग, वो पारित किया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ये याद रखना है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि राम बिरक्ष मैनीपुरी सर्च लाइट और युवक के संपादक थे, तो ये याद कैसे रखना है। तो देखिए राम बिरक्षपुरी, राम जी वृक्ष में जब मतलब गुम हो जाएंगे, अगर उस समय हो गए होंगे, तो कोई ना कोई लाइट खोज रहे होंगे कि ताकि वो निकल सके उधर से, तो लाइट सर्च लाइट खोज रहे थे राम बिरक्ष मैनीपुरी। या ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अगर आप वृक्षों के बीच में अगर आप फंस जाएंगे तो सर्च लाइट चाहिए आपको, लाइट चाहिए ताकि आप अंधेरे में खोज सके अपना रास्ता, ठीक है, सर्च लाइट। और राम वृक्ष, राम जी जो जब वृक्ष में मतलब जब वनवास हुआ था उनका, तो उस समय युवक थे, ठीक है। तो युवक से याद रखना है कि सर्च लाइट और युवक के संपादक जो थे राम वृक्ष मैनीपुरी थे, ये याद रखना आपको। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाता है, तो प्रस्ताव को अनुरूप 6 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और 12 मार्च को क्या करते हैं, ये 1930 को ये 26 जनवरी के ये होता है, ठीक है, 12 मार्च को मार्च करते हैं, मतलब पैदल मार्च करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि ये डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो मार्च में ही स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि उसमें मार्च कर रहे होते हैं। तो डांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, और ये आश्रम से इनके साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक, 6 अप्रैल 1930 को डांडी तक, ठीक है। और वहाँ पे नमक कानून बना करके उल्लंघन करते हैं और सत्याग्रह आरंभ करते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। आपका ये टोटल कितने दिनों का होता है, तो 12 और 18 24 दिन का ये टोटल मार्च होता है इनका, 24 दिन का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि कितने दिन का ये टोटल पैदल यात्रा होता है इनका, तो 24 दिन का। और आपका पूछा हुआ है कि कहां से, तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था, कहां तक, तो दांडी तक। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमक, देखिए क्या है कि ये चंपारण और सारण वाला इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, मतलब चंपारण वाला इलाका पश्चिमी चंपारण का, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी मतलब नमकीन मिट्टी वगैरह मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ से मिट्टी से नमक बना करके नमक आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, ये याद रखना आपको, चंपारण और सारण में नमक से मिट्टी बना करके किया गया था बिहार नमक सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार विदेशी वस्त्रों का और शराब की दुकानों का विरोध किया गया था। स्वदेशी लीग का स्थापना हुआ था जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। सर अली इमाम 1930 में जो स्वदेशी लीग था उसका अध्यक्षता किया था इन्होंने, स्थापना किया था, जिसके अध्यक्ष आपके सर अली इमाम थे स्वदेशी। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, इसलिए नंगा हड़ताल इन्होंने किया था, ठीक है। देखिए आपको एक इस आपको दिखा देते हैं, जैसे ये सारण में आपका नंगा, छपरा जेल में सारण में नंगा हड़ताल हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो ये पूरा सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में हुआ था। उसके बाद मुजफ्फरपुर में रामदयालू सिंह थे, ठीक है। उसके बाद आपका चौकीदारी जो चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था कहाँ कहाँ के लोग, तो ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सारण के लोग और मुंगेर, पटना और पूर्णिया के, यहाँ पे चौकीदारी
करबंद वाला आंदोलन चला था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का जो था सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना वाला इलाके में चौकीदारी कर बंद कर अभियान चलाया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को ये अवैध घोषित कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि यहाँ पे देखिए गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं और हजारीबाग जेल में इनको शिफ्ट कर दिया, मतलब इनको डाल दिया जाता है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके असहयोग आंदोलन के समय कहाँ रखा गया था, तो हजारीबाग में रखा गया था, हजारीबाग जेल में। और उस समय किनको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे, तो दीप नारायण सिंह को। कुल का दीपक किसी न किसी को तो बनाना ही था, तो दीप नारायण को, दीप नाम था इनका इसमें, तो दीप नारायण सिंह को अपना मतलब उत्तराधिकारी बनाए थे। ठीक है, आपका गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में काफ़ी सक्रिय रहा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार विधानसभा का चुनाव होता है 1935 का एक्ट के तहत, ये प्रावधान उसमें था कि आपको एक चुनाव होना है, तो 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव होता है। अब उसमें क्या होता है कि पूरा 192 सीट होता है। ठीक है, इसमें से टोटल 107 सीट पे ये कांग्रेस लड़ती है। ठीक है, बाकी के 45 सीटों पे इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं। ये 107 सीट में से 98 सीट ये कांग्रेस जीत जाती है, तो पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस के पास आ गई, तो कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए। तो क्या करते हैं इस समय राज्यपाल कौन थे, देखिए ये 1937 कब का समय है, जब 1935 के एक्ट के तहत एक और प्रावधान किया गया था कि बंगाल को मतलब ये बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था, ये समझिए। 1 अप्रैल 1936 को 1935 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1936 को बंगाल मतलब ये उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, बिहार से पृथक कर दिया उस समय का समय है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है 98 सीट से। उस समय पहला जो आपका ये एमजी हैलेट बनते हैं, ठीक है, राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट उस समय के। ठीक है, कांग्रेस विधायक दल के नेता जो श्री कृष्ण सिंह थे, उनको ये सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये मना कर देते हैं, क्योंकि इनका मांग था कि कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए वैधानिक कार्य में, कोई भी आपका मतलब हस्तक्षेप नहीं चाहिए, इसका आश्वासन आपको आप हमको दीजिएगा तभी हम अपना सरकार बना पाएंगे। लेकिन ये मतलब जो राज्यपाल होते हैं वो देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण ये सरकार भी बनाने से मना कर देते हैं। तो सरकार तो बना नहीं कांग्रेस का, तो कांग्रेस का सरकार नहीं बनेगा तो इंडिपेंडेंट कोई ना कोई बनाएगा। तो ये मोहम्मद यूनुस जो थे, इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नेता थे मोहम्मद यूनुस, ये सरकार बनाने का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और सरकार बनाते हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो मोहम्मद यूनुस को याद रखना है कि ये इनके नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल शुरू मतलब गठित होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। और ये बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद क्या होता है, उस समय के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, और एक कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने का निर्णय मोहम्मद यूनुस मतलब बनाने का निर्णय ले लेता है, जिसके कारण मोहम्मद यूनुस जो है अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। और पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, और रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनके रामदयालु सिंह के नाम पे रामदयालु स्टेशन है मुजफ्फरपुर के बगल में। अब्दुल बारी जो थे उनको बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, देखिए रामदयालु सिंह के बारे में पूछ सकता है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय जब 1937 में जो सरकार गठन हुआ था, तो रामदयालु सिंह, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल बारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल मतलब बिना बताए कराने के कारण, भारतीय लोगों को बिना बताए सेना को शामिल कराने के
कारण ये इस्तीफा दे देते हैं 1939 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब ये इस्तीफा देते हैं, तो 2 साल के बाद 1939 में इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होता है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के समय क्या होता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे लोग मेन नेता को जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो छोटे मोटे नेता होंगे वो जो सेकेंड स्ट्रीम के नेता थे उनका इसमें योगदान ज़्यादा रहेगा। तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, भगवती देवी, याद रखिएगा भगवती देवी। भगवती देवी कौन थी, तो भगवती देवी आपके राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मेनली कौन कौन किया था, तो राजेंद्र प्रसाद किए थे शुरुआती में जीरो आवर से पहले, पुलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह और मथुरा बाबू। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, पुलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह और मथुरा बाबू ने किया था। ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव का जो था उस सब के कारण, मतलब विफल होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त याद रखिए, अगस्त में नया काम होता है। ठीक है, तो 9 अगस्त को जीरो आवर चला करके सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है और बिहार के राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेज दिया जाता है। तो ये लोग तो चले गए जेल में। अब उस समय क्या होता है कि बलदेव सहाय महाधिवक्ता रहते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बलदेव सहाय महाधिवक्ता से कब मतलब ये इस्तीफा देते हैं, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त को, 2 दिन के बाद 19 अगस्त को तो सारे लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो 11 अगस्त को क्या होता है कि 1942 को, यह याद रखना है कि 19 अगस्त मतलब 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन के सामने कुछ विद्यार्थी लोग जा करके जुलूस निकालते हैं और मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। उसके एवज में क्या होता है कि जिला अधिकारी WG आर्चर से याद रखना है कि जो भी आर्चर होता है, आर्चरी होता है ना, जिसमें वो तीर धनुष से का काम होता है, तीर चलाया जाता है, बाण चलाया जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखना कि इसने क्या किया था कि मतलब वो गोली चलाने का आदेश दे दिया था। WG आर्चर से याद रखना है कि आपको चलाने का मतलब जो दे दिया था, आर्चर। ठीक है, वो पुलिस को गोली चलाने का दे दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो जुलूस निकाला गया था विद्यार्थियों के द्वारा, तो उस पर कौन सा जिला अधिकारी था उस समय जिसने पुलिसों को गोली चलाने का मतलब ये आदेश दिया था, तो वो WG आर्चर थे। ठीक है, तो 7 ये याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने मतलब छात्र उसमें शहीद हुए थे, तो 7 थे ये। ठीक है, 7ों का नाम आपको याद रहना चाहिए कि उमक, देखिए 7 तो आपका नंबर पूछ दिया है और आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसका नाम से। तो उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार। तो इसको याद रखना है कि ट्रिपल आर से आपको याद रखना है कि रामानंद, उसके बाद राजेंद्र और राम गोविंद। ठीक है, ट्रिपल आर और जेडीएस याद रखना है, ट्रिपल आर और जेडीएस पार्टी है, जेडीएस। ठीक है, तो ट्रिपल आर जेडीएस से याद रखना आपका, ये 6 हो गया आपका, एक और बच रहा है उमाकांत, JDUS याद रखना है, JDUS। RR ट्रिपल आर वाला जो RR का जो मूवी है वो, और JDU से याद रखना है, JDU। ठीक है, तो RR से आपका हो गया रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ठीक है, और J से आपका हो गया जगपति कुमार और D से आपका हो गया, D से कुछ नहीं, U से उमाकांत सिंह हो गया, देवीपद हो गया। ठीक है, डी से आपका देवीपद हो गया, जे से आपका आपका ये हो गया जगपति बाबू हो गया, जगपति कुमार, और यू से आपका उमाकांत सिंह हो गया और एस से आपका सतीश प्रसाद हो गया। तो RRR JDUS याद रखना है, JDU मतलब JDU आपका जनता दल यूनाइटेड वाला, और उसके साथ एस लगा देना है, JDUS और RRR, ये 3-5-7ों के साथ शहीद हुए थे गोलीकांड में। ठीक है, उसके बाद शहीद स्मारक बना था 7ों का, और उस समय के जो प्रथम जो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आपके राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलतराम थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज मतलब स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम थे। वो उन्होंने औपचारिक रूप से अनावरण किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो 1956 में इसका पूरा औपचारिक मतलब सही तरीके से शिलान्यास किया था। ठीक है,
मतलब उद्घाटन किया था उसका। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्या क्या हुआ था, तो सारण को आपराधिक, देखिए सारण को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था, और राष्ट्रीय सरकार का गठन कहाँ पे किया था, भागलपुर में, भागा भागा करके लोग मारे थे, तो भागलपुर, भागल भागा भागा करके लोग मारे, वहाँ के अंग्रेज़ों को मार करके भगा दिए थे भागलपुर से, और राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि देखिए वायुसेना का पहला बार ये आंदोलनकारियों पे दमन करने के लिए वायुसेना का प्रयोग किया गया था, कहाँ कहाँ पे, तो ये सब इलाका में, ये जो इलाका है पटना मुंगेर भागलपुर, ये सब पटना मुंगेर भागलपुर वाला इलाका में। एक याद रखना है कि सोशलिस्ट पार्टी के जो जयप्रकाश नारायण थे और अम्बरीक्ष बेनीपुरी, इन्होंने इसमें, ये सेकेंड स्ट्रीम के नेता थे ये लोग, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी बिहार की तरफ से। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय का जो कांड होता है गोलीकांड, उसमें उसके कारण हड़ताल का गठन किया जाता है, हड़ताल किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, मतलब के समय नेपाल में आज़ाद दस्ता का, मतलब अखिल भारतीय केंद्र का संगठन वहाँ पे शुरुआत किया जाता है, ठीक है, तोड़फोड़ कार्रवाई किया जाता है। तो आज़ाद दस्ता अगर आपसे पूछता है कि किसका मतलब देन है, किसने शुरुआत किया था इसका, तो इसके संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा जाता है, वो क्या करते हैं, देखिए अब आपको याद कैसे रखना है कि देखिए दीपावली के दिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस दिन को, किस रात को ये मतलब भागे थे, तो दीपावली के रात को भागे थे, ठीक है। अब ये याद रखना है कि 9 नवंबर को ये, 9 नवंबर को भागे थे। अगला क्वेश्चन अब आगे पूछ सकता है कि 9 नवंबर को, या तो रिपीट करेगा नहीं तो 9 नवंबर 1942 वाला याद रखना है कि इस दिन को भागे थे। और ये भी पूछ सकते हैं कि किस 5 साथियों के साथ भागे थे, तो इसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है, ये आपको एक कहानी मैं थोड़ा छोटा सा बता रहा हूँ जिसको तहत आपका ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। देखो दीपावली का दिन था, ठीक है, तो चारों ओर दीप जल रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं पर एक बड़ा सा दीप जल रहा होगा जो कि सूरज के भांति चमक रहा होगा, तो सूरज के भांति चमक रहा होगा मतलब सूरज से याद रखना है। और उस गांव का नाम था, जो बगल में जो गांव था उसका नाम था सालिग्राम, ठीक है, सालिग्राम नाम था। और राम, राम जी का आगमन हुआ था उस दिन, राम योग था उस दिन, राम योग था, राम जी का आगमन होने का योग था, इसलिए राम योग, राम से रामानंद याद रखना, योग था, इसलिए वहाँ पर दीपावली मनाया जा रहा था, ठीक है। दीपावली ऐसे भी राम योग के कारण ही मनाया जाता है, राम जी के आने की खुशी में, तो राम जी के आने की खुशी से याद रखना है कि दीपावली के दिन, दीपावली को रेफरेंस रखना है, ठीक है, दीपावली से सारा आपका कहानी रिलेट करना है। दीपावली में आपका सूरज की तरह वो चारों ओर दीप जलता है, तो सूरज नारायण याद रखना है। उसके बाद राम के आगमन में दीपावली मनाया जाता है, तो रामानंद याद रखना है, उनके योग उस दिन योग रहता है, इसलिए अच्छा दिन होता है, योग होता है, इसलिए योगेंद्र याद रखना है। बाकी गुलाबी, गुलाबी रंग का जो मतलब देखिए उस समय क्या होता कि सारे लोग ये धोती पहनते थे, धोती गुलाबी कलर का सारा धोती रंगा हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है कि धोती जो था गुलाबी रंग से रंगा हुआ था, लाल कलर का जो गुलाबी रंग होता है उससे रंगा हुआ था, ठीक है, उसको बांध बांध करके ये पूरा पार किए थे, उसको उसी को पूरा बांध करके, और 40 लगभग 40 धोती को बांधे थे, और उसके बाद उस पार हुए थे, उसके जो चारदीवारी था उसको फांदे थे। तो आपको याद हो गया होगा इनके नाम, जो इनके साथ 5 साथी भागे थे, कौन कौन, गुलाबी रंग का वो धोती था, उसके बाद सालिग्राम नाम का वो गांव था बगल का, और राम का मतलब दीपावली का दिन राम जी का आगमन हो रहा था, और सूरज की तरह दीप सब चमक रहा था, और योग था उस दिन, राम योग था। नेपाल में ये जा करके और ये छापेमार युद्ध वगैरह सिखाते हैं लोगों को। उसके बाद इसके निदेशक जो थे सरदार नित्यानंद सिंह थे, ठीक है, आपका आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के साथ, राम मनोहर लोहिया भी थे इनके साथ, और अरुणा असफ अली और सूरज नारायण सिंह भी थे। देखिए ये जो भाग करके आए थे सूरज नारायण सिंह, वो योगेंद्र शुक्ल भी थे, रामानंद भी जो भाग करके आए थे वो, और अरुणा असफ अली, आपको याद ही होगा कि 1942 वाला जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है उस समय रेडियो का अंडरग्राउंड होकर के काम कर रही थी, रेडियो से प्रचार प्रसार कर रही थी, ठीक है, तो अरुणा सफल याद रखना है, राम मनोहर लोहिया को एक एक्स्ट्रा में याद रखना है, और अच्युत प्रत्यवर्धन को। आज़ाद दस्ता का रेडियो प्रचार का राम मनोहर लोहिया के पास था, आज़ाद दस्ता का, और बाकी ऑल इंडिया को ये अरुणा सफल भी मतलब गाइड कर रही थी रेडियो से।
1943 के मध्य तक क्या होता है कि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था, आज़ाद दस्ता इसके जो मेन नेता थे इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज़ाद दस्ता बंद हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के छात्रों का ट्रेन पर कब्जा कर लिया जाता है, बिहार के छात्र क्या करते हैं कि ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं और स्वराज ट्रेन नाम से चलाने शुरू कर देते हैं उसे। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में फुलन्ना प्रसाद श्रीवास्तव को मतलब पुलिस गोली का शिकार बना देती है। उसके बाद और कुछ नहीं है। एक और चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी मैदान का नाम कब पड़ा, ठीक है, तो उसमें ई ऑप्शन होगा उसका, क्योंकि गांधी मैदान किसी कारण से नहीं हुआ। वो क्या हुआ था कि देखिए पटना लॉन्च के नाम से पहले जाना जाता था गांधी मैदान को, तो 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये मुख्य भूमिका निभाया था, यहीं पर लोग एकत्रित हो रहे थे, ठीक है। तो इसी के कारण 1948 में जब इनकी मृत्यु मतलब मार दिया जाता है इनको गोली गांधी जी का, तो उन्हीं के याद में पटना लॉन्च का नाम गांधी मैदान कर दिया जाता है। ये लोग इतने मरे थे, ठीक है, शहीद हुए थे 134। पृथक बिहार का राज्य अब इतना कंप्लीट हो चुका है आपका लगभग, और अब पृथक राज्य का गठन जो है वो एक बार देख लेते हैं। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है, किसको जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। महेश नारायण सिंह नारायण और श्रीकृष्ण सहाय नंद किशोर लाल ये लोग साथ मिलकर के ये एक कैंपेन चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। 1894 में क्या होता है, बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के नाम से, देखिए ये पूछेगा कि बिहारी टाइम्स के संपादक कौन थे, तो आपका महेश नारायण थे, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 1894 में हुआ था, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है यहाँ पे, ये खान सर के बुक का है। 1943 में नेपाल सरकार का जेपी नारायण ने राम मनोहर लोहिया ये लोग गिरफ्तार करके इन लोगों को हनुमान नगर जेल में रखा था नेपाली सरकार ने, ठीक है। बिहारपुर में पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा था, तो पूछेगा आपको कि कहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, तो वो स्थापना हुआ था तो बिहारपुर में। और आपका 15 जून 1944 को क्या हुआ था कि बिहार गांधी दिवस के रूप में मनाया गया, बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया 15 जून 1944 को। देखिए उसी वो बिहार का पृथककरण वाला आंदोलन था उसी के तहत। अभी देखिए बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे, ठीक है। इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, जो आंदोलन था उसको जोर पकड़ा इसमें समाचार पत्र के कारण। 1908 में क्या होता है, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन होता है 1908 में। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, वहीं इसके पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने 1908 में। 1906 में जो मुगल मतलब ये मुस्लिम लीग का जो गठन होता है उसी के वजह में ये लोग बिहार में हसन इमाम को बनाते हैं अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन करके। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो था प्रथम अधिवेशन पटना में 1908 में हुआ था और दूसरा सम्मेलन भागलपुर में, और बराहवा जो था आपका 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, तो इस समय आपका भागलपुर में ही हुआ था, भागलपुर में, ठीक है। और इसमें पृथक बिहार का मांग फिर से दोहराया गया 1909 में भी। 1911 में क्या होता है कि बिहार विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। और 12 दिसंबर 1911 को क्या किया जाता है, दिल्ली में दो दरबार लगता है, शाही दरबार, उसमें बिहार उड़ीसा को क्षेत्र को मिला करके बंगाल से पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। आधुनिक बिहार का थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1937 में मोहम्मद अली जीना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोहम्मद अली जीना भ्रमण करने आए थे प्रचार प्रसार करने मुस्लिम लीग का। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी मोमिन कांग्रेस का मतलब स्थापना किया था इन्होंने। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था, तो थियोडोर सुरीन ने किया था। और बाकी देखिए एक चीज़ याद रखना है कि महिला स्वतंत्रता सेनानी भी कुछ नाम था, देखिए प्रभावती देवी, ये प्रभावती देवी शायद वही है जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ब्रजकिशोर की बेटी थी, ठीक है। ये श्रीमती सैलबाला राय हसन इमाम, श्रीमती हसन इमाम, उसके बाद उनकी पत्नी थी शायद हसन इमाम की, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्री बिंध्यवासिनी देवी, कुसुम कुमारी, राजवंशी देवी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, राजवंशी देवी, भगवती देवी, ये इन लोगों का नाम याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अभी तक तो पूछा नहीं है,
लेकिन आगे पूछा जा सकता है। आशा सहाय जो थी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी और आकर के आने के बाद हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रही थी महिलाओं को। गोविंदपुर गांव में श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी 16 अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया था अकेला, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, चंपारण में महात्मा गांधी या खादी का अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चंपारण में महात्मा गांधी तो राजेंद्र प्रसाद भी थे उनके साथ, तो ये लिखेंगे ही, ठीक है। खादी अर्थशास्त्र, देखिए राजेंद्र प्रसाद से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं बिहार में, ठीक है, उस समय नेता में, तो इसलिए खादी पर अर्थशास्त्र जो था अर्थशास्त्र आपका राजेंद्र प्रसाद ही लिखे थे। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भारत के वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक के रचयिता थे। राजा साहब गांधी टोपी की रचना किया था, गांधी टोपी का रचना राजा साहब ने किया था। 1906 में श्रीकृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था। इसका 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, तो हजारीबाग में 1921 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर के कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। तो ये पूछेगा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 में पेश किया था। उसके बाद 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया था। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में आपका ये हाईकोर्ट बना था पटना का। चलिए अब क्वेश्चन जो है, अब वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, क्वेश्चन जो है अगले वीडियो अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। इतना देर आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।